हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर जैन टेक्नोलॉजीज़ के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले अगर आप रेवेन्यू देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 73% से रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, मतलब पिछले क्वार्टर से 73% रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है और 26 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी ने किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर लॉस कंपनी को 1.79 करोड़ का हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 73 लाख का लॉस हुआ था। तो रेवेन्यू के इंक्रीज़ होने के बाद भी कंपनी का लॉस और ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 62% से रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन लॉस अगर आप देखें तो पिछले साल के ईयर क्वार्टर में 1.75 करोड़ का लॉस था और इस साल के क्वार्टर में 1.79 करोड़ का लॉस है। तो यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी कंपनी ने लॉस यहाँ पर कैसे, मतलब इतना ज़्यादा लॉस इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ हुआ है और साथ ही में जो एम्प्लॉय कॉस्ट है कंपनी का वो भी इंक्रीज़ हुआ है, उस वजह से यहाँ पर लॉस के नंबर्स और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस की बात करें तो 5-year आई है 257.75, बट करंटली 208.20 पे इसका आज फ्राइडे का लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, 0.63% अप। तो आपको ये शेयर में अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के लॉस के नंबर्स इंक्रीज हो गए हैं उस वजह से। तो आपको मंडे को ये शेयर पे, मतलब अगर आपको शॉर्ट करना हो और इफ़ ये ज़्यादा नीचे जाए तो आप इस शेयर को रडार पे रख सकते हो। बाकी अगर आपको सिर्फ इंट्राडे करना हो या फिर आपको बाय करना हो तो आपको ये शेयर अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इफ़ आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।